हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस छोटे से शो में मैं आपके लिए एक बहुत यूजफुल चीज लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि जो कार्स ऑटोमेटिक होती हैं और जिनमें हैंड ब्रेक नहीं होता है, मैनुअल हैंड ब्रेक, जो हैंड से लीवर खींचने वाला, जैसे कि हमारी गाड़ी में कोई हैंड ब्रेक नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हो और गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो आप उस कार को कैसे रोकोगे। तो ये क्वेश्चन आई एम श्योर बहुत लोगों के दिमाग में होता होगा कि जब कार आपकी 100% ऑटोमेटिक है, आपके पास कोई हैंड ब्रेक नहीं है और ये वाला हैंड ब्रेक है, तो ये गाड़ी रुकेगी कैसे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटा सा डेमो देके दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कैसे रुकेगी। तो मैंने गाड़ी चला दी है। अब प्राइमरीली होता क्या है, जो भी ऑटोमेटिक कार्स होती हैं उनमें जब आप चल रहे होते हैं तो ये हैंड ब्रेक वाला जो लीवर है, इसको अगर बटन को आप ऐसे पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो ये वार्निंग सिग्नल आता है कार में, लेकिन कार की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फिर से देखिए, मैं एक बार और दिखाता हूँ। ये हमने दबा दिया लेकिन गाड़ी उतनी ही स्पीड पे है। मैं जानबूझ के बहुत धीरे चला रहा हूँ, 20 की स्पीड पे, ताकि कोई एक्सीडेंट की कोई चांसेस ना रहे, क्योंकि थोड़ा सीजन भी बड़ा रेनी सा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कार कैसे रुकेगी इसी स्पीड पे। देखिए आप, कंटिन्यूसली मैं ब्रेक पुल कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है कार में। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कार कैसे रुकेगी। तो फाइनली आपको दिख रहा होगा बाहर मौसम इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा ट्रैफिक अवॉइड कर रहा हूँ मैं, ताकि किसी और को कोई इनकन्वीनियंस ना हो हमारा ये डेमो देने के टाइम पे। तो आपको क्या करना है, अभी कार चल रही है मेरी ऑलमोस्ट 20 की स्पीड पे, ये कितनी भी स्पीड पे वर्क करता है ये फंक्शन, सिमिलरली जैसे कि बाकी के नॉर्मल हैंड ब्रेक पे करता है। ये जो लिवर होता है, ये जो बटन होता है पार्किंग का, इसको आपको पुल करके रखना है। देखिए आप कार की स्पीड देख सकते हैं, इधर 20 पे है कार, कार चलती हुई आपको आगे दिख ही रही है। और अब ये लिवर को पुल करके रखना है ऐसे, और ये गाड़ी झटका खा के एकदम स्टेबल हो गई है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आपकी कार्स पूरी तरह जाम हो जाएगी अगर आप, मैं एक बार और डेमो देके दिखाता हूँ। ये लिवर को आपको पुल करना है, और अब हम आगे दिखाएंगे ताकि आपको आगे देख के पता चले। ये कार चल रही है, मैं स्पीड ऑलमोस्ट 20-30 पे आ गई है और मैं ये पुल कर रहा हूँ, 1-2-3। तो ये ऐसे एकदम स्टिल हो जाती है कार। तो आई रियली होप आप लोगों को ये छोटा सा ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में ये सवाल था कि ऑटोमेटिक कार्स कैसे रुकती हैं बिना हैंड ब्रेक के, तो ये है उसका तरीका, जो कि आपको इमरजेंसी में बहुत यूजफुल साबित हो सकता है, स्पेशली रेनी सीजन में, जब हो सकता है कई बार आपके ब्रेक शू वेट होने की वजह से लगे नहीं, आपको एकदम से गाड़ी स्टैंड स्टिल करनी है, तो आप अपना नॉर्मल ब्रेक प्लस ये हैंड ब्रेक साथ में लगाइए और गाड़ी रुक जाएगी। और वो लोग भी जो खाली रोड पे कोई ट्राई करना चाहते हैं कि गाड़ी ड्रिफ्ट कैसे करेंगे, तो ड्रिफ्ट करने का भी यही तरीका है ऑटोमेटिक कार्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।